नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी। प्रीवियस क्लास में हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन बी। क्वेश्चन इज राम एंड रवि हैव द सेम वेट, दोनों का वेट सेम है। लेट अस सपोज राम का वेट जो है वो एक्स के जी है, तो रवि का वेट भी कितना होगा? एक्स के जी। ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इफ दे ईच गेन वेट 2 kg, दोनों का वेट 2 kg बढ़ गया, तो राम का वेट पहले था एक्स के जी, अब कितना होना चाहिए राम का वेट? एक्स प्लस 2 kg। ऐसे रवि का जो पहले वेट था वो एक्स के जी था, तो अब रवि का वेट कितना होना चाहिए? एक्स प्लस 2 kg। इसमें कोई डाउट? ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मच देयर न्यू वेट बी कंपेयर्ड। अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या होगा? भी दोनों का वेट इक्वल होगा, और ये किस पर बेस्ड है? यूक्लिड्स एक्सियम पर। अगर इक्वल पार्ट में हम इक्वल ही ऐड करते हैं, जैसे एक्स में आपने 2 ऐड किया और यहाँ भी एक्स में 2 ऐड किया, दे विल स्टिल रिमेन बी इक्वल। ये समझ में आ गया? ठीक है। इफ दे ईच गेन वेट 2 kg, तो दोनों का बढ़ गया ना उतना ही, ठीक है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी आप किस तरह से इस आंसर को दोगे? यू विल से दैट लेट एक्स के जी बी द वेट, लेट एक्स के जी बी द वेट ईच ऑफ राम एंड रवि, दोनों का वेट कितना मान लिया हमने? एक्स के जी। ऑन गेनिंग 2 kg, जब दोनों का वेट 2 kg बढ़ जाएगा, द वेट ऑफ राम एंड रवि विल बी वॉट? एक्स प्लस 2 kg, दोनों का वेट एक्स प्लस 2 kg हो जाएगा, राइट। इट मीन्स वॉट? बाई यूक्लिड सेकेंड एक्सियम वेन इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल, देयरफॉर वेट ऑफ राम एंड रवि विल बी इक्वल, तो दोनों का जो वेट होगा इट विल स्टिल रिमेन बी इक्वल। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होगी इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ठीक नहीं बस इतना आपने बता दिया, इसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन इससे ज्यादा थी नहीं, इतना बोल दो कि बहुत है, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज इन गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, ए सी इज इक्वल टू बी डी। आपको कहा जा रहा है ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। भाई देखो ये आपका ए सी है और ये आपका बी डी है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखो आपको कहा जा रहा है ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, राइट। अगर मैं ए सी की बात करता हूं तो ए सी का मतलब क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी, यस और नो? एसी माइनस बी। AC, आप AC अगर C तक जाओगे तो इसमें कैसे जाओगे? AB प्लस BC तो जाओगे। फिर आपको कहा जा रहा है इक्वल टू BD, BD का मतलब व्हाट? BC प्लस CD, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC प्लस CD? अब देखो BC से BC कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? AB इज इक्वल टू CD। यही तो आपको प्रूव करना था, हुआ क्लियर कुछ? ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन? तो योर प्रेजेंटेशन विल बी इसी तरह से आपको करना है, दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ए सी का मतलब क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी, तो आपने लिखा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, दैट इज इक्वेशन टू। फिर आपने कहा बी डी, तो बी डी को आपने कहा बी सी प्लस सी डी, तो बी डी हो गया बी सी प्लस सी डी, दैट इज इक्वेशन थ्री। अब आपने दोनों इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री की जो वैल्यू है इसकी, ए सी और बी डी की, वो इक्वेशन वन में पुट कर दी, तो इन प्लेस ऑफ ए सी आप लिखोगे ए बी प्लस बी सी, तो इन प्लेस ऑफ ए सी आप लिखोगे, इन प्लेस ऑफ ए सी आप लिखोगे ए बी प्लस बी सी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा ए बी प्लस बी सी। इन प्लेस ऑफ बी डी आप लिखोगे बी सी प्लस सी डी, तो राइट हैंड साइड में लिखा बी सी प्लस सी डी। अब बी सी से बी सी कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूव। मेरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द क्वाड्रेंट इन विच फॉलोइंग पॉइंट लाई। देखो जहां तक क्वाड्रेंट की बात है, हमने चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से ही समझा था, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फोर। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव।
सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो जो एक्स होता है वो आपका नेगेटिव होता है और वाई आपका क्या होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो होता है वो तो पॉजिटिव है बट वाई क्या है नेगेटिव। ये क्लियर हो गया। अब देखो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपका फर्स्ट पॉइंट है 2,3। 2,3 का मतलब यह कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फिर है -3,4 सेकंड पार्ट। -3,4 एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, अब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया आपका। फिर है आपका -3,-10। -3,-10 तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका किसमें हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है आपको, देखो रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। वैल्यू इज 3 -2√2 अपॉन 3 + 2√2। ये क्लियर? ठीक है, अब टू टर्म्स है तो जब टू टर्म्स वाले केस को रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन क्या हो जाता है अपोजिट। तो मैं लिखूं इसको 3 -2√2 अपॉन 3 -2√2। अब ध्यान से देखो a - b * a - b सेम वैल्यू है ना, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका a - b होल स्क्वायर। यहां देखो a+b और a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है a² तो आपने लिखा 3² + b² तो ये हो गया 2√2² -2a, ये आपका a है तो a की जगह क्या होगा 3 और ये आपका क्या है b, तो b की जगह आप लिखोगे 2√2 अपॉन a² 3² क्या होगा 9 -2√2। देखो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2√2 * 2√2, 2 2 जा 4 √2 * √2 क्या होगा 2, दैट इज 8, तो मैं लिखू 9 - 8 तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2² क्या होगा 4, √2² क्या होगा 2 और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 12√2 और 9 - 8 कितना हो गया 1, तो फाइनली 9 + 8 - 12√2 तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, तो फाइनल आंसर आएगा 17 - 12√2। एनी क्वेश्चन इसका? ठीक है गुड, 17 - 12√2। अब पार्ट और वाला पार्ट देखो, जो और वाला पार्ट है आपका इसमें आपको अगेन सिंप्लीफाई करना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो वैल्यू क्या है आपकी 30 / 5√3 - 3√5। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ अगेन डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है 2, ये एज इट इज आएगा बट माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं लिखूं इसको 5√3 + 3√5 और ये हो जाएगा 5√3 + 3√5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर आया था? अब देखो 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 5√3 + 3√5। ये क्लियर है? ये हो गया a - b और a+b, तो ये हो जाएगा a² - b² ये क्लियर? ठीक है, नाउ देखो न्यूमरेटर में 30, ये हो गया 5√3 + 3√5। मैं अभी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं, अगर डेनोमिनेटर सॉल्व करके कोई ऐसी वैल्यू होती है जो 30 से सिंप्लीफाई हो जाती है तो पहले उसको करते हैं। तो देखो 5√3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5√3 * 5√3, 5 5 = 25, √3 * √3 = 3, तो ये हो गया 75। ये क्लियर? फिर 3√5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3√5 * 3√5, तो 3 3 = 9 √5, ये 45। ये क्लियर है? तो देखो न्यूमरेटर में हो गया 30 विद इन ब्रैकेट 5√3 + 3√5,
माइनस फाइव जीरो, सेवन माइनस, देखो हुई ना वही बात, कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, 5√3। सेम रूट वाली वैल्यू प्लस और माइनस होते हैं, ये डिफरेंट रूट है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये किसका ठीक है? गुड, क्लियर है यहां तक? 24 क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपने बुक में भी किया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ 2.5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, जैसे कि मान लो कि ये आपका एक कॉनिकल टेंट है, अब टेंट में क्या ना ही सेट है, जब कोई टेंट होता है तो उसका ये वाला जो पोर्शन होता है वो तो खाली होता है, तो बेसिकली जो आपका ये कपड़ा लगेगा, जो ये क्लोथ हम यूज करेंगे, वो इतने एरिया में यूज होगा। अब इस एरिया को अगर मैं सर्कल वाला पार्ट वैकेंट है, तो बाकी एरिया को आप क्या कहते हो? कर्व सरफेस एरिया। बाकी एरिया को आप क्या कहते हो? कर्व सरफेस एरिया। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, पहली चीज, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ 2.5 मीटर वाइड। वाइड का मतलब, तो देखो कोई भी कपड़ा, जैसे मान लो एक कपड़ा है, अब इसकी मैंने आपको विड्थ बता दी, मैंने कहा भाई विड्थ जो है इसकी वो 2.5 मीटर है, समझा गया? हाउ मेनी, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे उसकी लेंथ पूछी जा रही है, आपसे उसकी क्या पूछी जा रही है, लेंथ। अगर वो कह रहा है कि कपड़ा जिसकी जो विड्थ है वो 2.5 मीटर है, तो हाउ मेनी मीटर का मतलब आपको पूछा जा रहा है इसकी लेंथ क्या होगी, और ओवरऑल फिर ये कौन सी शेप शो कर रहा है, फिर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। पर ये जो भी एरिया होगा वो इस कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो स्टेप वन तो ये है कि आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, यस और नो? कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल, पाई हो। अच्छा देखो, अब यहां पर आपको आर तो गिवन है, आपको हाइट गिवन है, लेकिन आपको एल गिवन नहीं है, तो मुझे कोई बताएगा एल कैसे निकालेंगे? रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, अब जो आर है आपका, आर की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो ये हो गया आपका 7 स्क्वायर, और एच है आपका 24, राइट? 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करोगे 625, तो ये आ गया आपका 25 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब स्टेप वन करते हैं। नाउ आपने कहा जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है पाई आर एल, क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है? नहीं, तो क्या लोगे? 22/7, रेडियस आपका कितना है? 7, और ये हो गया 25, इसको कैंसिल कर दे। अब मैं 25 को 22 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो कर सकता, पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा मत करो, इसको अभी एज इट इज छोड़ दो 20। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं अभी बताता हूं। ये क्लियर हो गया? तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ एरिया ऑफ क्लोथ, कैन आई से दैट एरिया ऑफ क्लोथ जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, यस और नो? एग्री करते हो? तो एरिया ऑफ क्लोथ तो आपका क्या होगा, एल इंटू बी, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ क्या है, 22 × 25 cm², एल आपको फाइंड कर, और विड्थ आपकी जो गिवन है वो कितनी है, 2.5 मीटर। अब देखो यहाँ पर ये बाकी की जो साइड्स है ये सब कुछ मीटर में है भाई, तो ये भी आपका मीटर में आएगा, और ये आपका एरिया कैसे होगा, मीटर स्क्वायर, इसमें होगा मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ भी आप क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ये आपका 2.5। अब मैंने क्यों आपको कहा था इसको मल्टीप्लाई मत करो, देखो ये होगा 22 × 25 m², तो एल क्या होगा, 22 × 25 / 2.5। मैं डेसिमल रिमूव करूंगा, न्यूमरेटर में 10 जाएगा, होता है सर? ठीक है, अब देखो 25 से 25 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 220 मीटर। हाँ जी बोलो, क्लियर हो गया? ये आपका क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया जो होता है कौन का, वो होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल, समझ में आ गया? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालते हो तो देखो क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है आपका, उसमें एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो आपका ऐड हो जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल,
इसमें एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो कट टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सरफेस एरिया क्वेश्चन में लिखा है तो उसमें टोटल भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है, क्वेश्चन को देख के फिर आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कर्व की बात कर रहा है टोटल की, वो आपको नहीं बताएगा। जैसे कि हाँ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था, बस ये थी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ आपको देखना पड़ा, आपको एड्रेस करना पड़ा कि भैया जब टेंट की बात हो रही है तो इसमें ये वाला पोर्शन तो हमारा खाली होता है, तो अगर इसको छोड़ दे तो बाकी का जो होता है एरिया उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो वो जो कपड़ा जो है वो जिससे टेंट बना है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे तो यूज हुआ है, तो यानी कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया। समझ आ गई ये बात? ठीक है, तो बेसिकली भाई ये सारे आपका ये आपका 24 पार्ट, इसको देखो हमने सॉल्व किया था 17 - 12√2 आया था जो आपके मैच भी कर रहा था, फिर हमने और वाला पार्ट जब सॉल्व किया तो ये हमारा आया था 5√3 + 3√5, और ये अभी सबसे पहले हमने क्या इसमें फाइंड किया इस क्वेश्चन में जो अभी किया हमने एल स्लांट हाइट, ये हमारी कितनी आई थी 25। फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या फाइंड किया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को अगर आप देखो एक मैंने वो मेथड बताया, दूसरा एक अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 550 m². अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको गिवन था विड्थ ऑफ क्लॉथ दैट इज 2.5 m, तो मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दिया कि भैया यहाँ पर जो विड्थ ऑफ क्लोथ की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो लेंथ आपको फाइंड करनी है वो क्या होगी, एरिया ऑफ क्लोथ अपॉन विड्थ ऑफ क्लोथ। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अपॉन विड्थ ऑफ क्लोथ, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आइडियल सिनेरियो में मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको इस तरह से करो जैसे कि ये करवाया गया आप, स्टेप टू स्टेप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद फिर आप इस तरह से लिखो कि जो एरिया ऑफ क्लोथ है इट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोथ, फिर एरिया ऑफ क्लोथ यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में तो एल इन टू बी, और कर्व सरफेस एरिया को आप सोल्व मत करो 22 × 25 m², और जिससे आपको लेंथ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 220 m। क्लियर है क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन बी का जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस कितना 5.6 cm। ये सिंपल क्वेश्चन था, वही रेडियस आपको गिवन है और सरफेस एरिया में तो सिर्फ टोटल ही होता है, इसमें तो कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना विच इज इक्वल टू 4 π r². समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो रेडियस गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर मींस 4 π r², तो 4 π की वैल्यू क्या होगी 22/7 r, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 5.6 तो आपने किया 5.6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 5.6 × 5.6। अब देखो 5.6 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो पहले तो डेसिमल का हो जाएगा 0 पॉइंट, और 56 का हो जाएगा 7 × 8 = 56, तो क्या ये क्लियर हो गया ये 0.8 कैसे आया? ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल 24 × 4 ये हो गया 88, देन 5.6 × 0.8, 8 6 जा क्या होता है 48, 8 5 जा 40 और 4 44, डेसिमल के बाद 1 और डेसिमल के बाद तो 1 और 1 हो गया 2, तो ये हो गया 4.48, ये क्लियर? अब 88 448 को आप 88 से करोगे मल्टीप्लाई तो 88 जा क्या होगा 64, 8 4 32 और 6 38, 8 4 32 और 3 35, 8 8 ये फिर वही आएगा 4853, तो ये हो जाएगा 4 8 और 4 क्या होगा 12, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 6 और 3 क्या होगा 9, 3 9 4 2 4। अब देखो यहाँ डेसिमल, अगर मैं डेसिमल की बात करता हूँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 1 2, तो फाइनल आंसर आएगा 394.24 cm², और यहाँ आके आपका सेक्शन बी जो होता है कंप्यूटर। क्लियर आया था? ठीक है,